ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर सात बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष है तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में सात बार तो जल, पांच बार दूध गौ माता का और दो बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाए।